इस वक्त अगली बड़ी खबर पर रुक करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। यहाँ पर रायपुर में नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। बता दें कि केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 फरवरी को रायपुर में मानतल भी पहुंचेंगे। बता दें कि सड़क मार्ग से भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सिंधिया। वहीं भाजपा कार्यालय कुशाभा ठाकरे परिसर में वे पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि शाम 5 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो खबर में आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं जहां पर नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में भी शिरकत करेंगे। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे जुड़ चुकी हैं। जी खुशबू, छत्तीसगढ़ प्रवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल होंगे, इसमें क्या कुछ अहम निर्णयों पर चर्चा हो सकती है? जी हाँ, अगर बात करें तो नगरीय उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे, उनका एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास है। बता दें कि नगरीय उड्डयन मंत्री बनने के बाद उनका पहला प्रवास है जो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बात की जाए तो वो जो है कल जो है सुबह 11:20 पे जो है रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे जो है भाजपा कार्यालय कुशाभा ठाकरे परिसर में जो है पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभार जो है उन्होंने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यहाँ पे जो है केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी कार्यक्रम में जो है शामिल होने आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है कुछ जो मंत्री हैं यहाँ के वरिष्ठ मंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है यहाँ से वो 5 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल से जो है दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक तरह से जो पहला यहाँ पर उनका दौरा है छत्तीसगढ़ का और जो है पहली बार वो आ रहे हैं और केंद्रीय बजट को लेकर जो संगोष्ठी कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। साथ ही साथ वो जो है पत्रकारों से भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता भी करेंगे और जो है केंद्रीय बजट को लेकर ही शायद इसमें चर्चा की जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है पहली बार उनका छत्तीसगढ़ प्रवास का दौरा है, पहली बार उनका दौरा है छत्तीसगढ़ का। तो एक तरह से कुछ नई बातें यहाँ पर भी सामने हो सकती है और बजट को लेकर भी शायद इस पर चर्चा की जा सकती है। जी खुशबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे थे जहां पर रायपुर में नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। बता दें कि इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शिरकत करते नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही थी छत्तीसगढ़ के रायपुर से जहां पर नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। आपको बता दें कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 फरवरी को विमानतल रायपुर भी पहुंचेंगे। बताते चलें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। बता दें कि भाजपा कार्यालय कुशाभा ठाकरे परिसर में वे पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि अपने कार्यक्रमों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।